What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम हमारे fundamentals को आगे बढ़ाएंगे. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने interest on capital सीखा, उसके questions practice करे, comments में बच्चों ने answers भी बताए हुए थे, तो it was amazing. आज जो हम सीखने वाले हैं concept वो है interest on drawings. और इसके ऊपर आपके exam में 100% question आएगा. और जितने भी आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, सब में इस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा. तो ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बेस्ट बनाने की. चलिए लेट्स बिगिन. तो शुरू करते हैं बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में चीजें सीखना. देखो जिस तरीके से फर्म में कैपिटल लगाई जाती है और उस कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट पे करता है, सिमिलरली अगर फर्म से पैसा निकाला जाए, जैसे ये हमारी वही फर्म है, ठीक है, दिस इज द फर्म, और इस फर्म में से चिंटू ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया यानी ड्राइंग्स कर ली, तो चिंटू को क्या करना पड़ेगा, इस ड्रॉइंग्स पे अब फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इसका मतलब फर्म विल रिसीव, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगी. ठीक है, टाइम पीरियड इसमें भी वैसे ही चलता है जिस तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चलता था, कि लेट सपोज हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट हुआ 1st of April से, 1st April 22, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 31st 23, और ऐसा लिखा है कि चिंटू ने जो ड्राइंग्स करी वो कब करी, 1st of July पे. यहाँ पे 1st of July पे चिंटू ने 10,000 रुपये विड्रॉ करे और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम पे है. तो हम क्या बोलेंगे कि 10,000 पे 10%, और यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए, 9 months. तो अल्टीमेटली जो आएगा 10,000 पे 10%, 1,000, 9 महीने का 750, 750 विल बी दी आंसर. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बेटा वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता था. बस ड्राइंग्स में क्या होता है, कैपिटल तो एक ही बार लगाया जाता है, ड्राइंग्स मल्टीपल टाइम्स की जाती हैं. बिजनेस से पैसा रेगुलर बेसिस पे निकालता है भाई, देखो घर पे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ऑनर जो है पैसा तो निकालेगा, तो ड्राइंग्स मल्टीपल टाइम्स होती है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ता है ना. तो देखो आप यहां पे लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारे पास दो तरीके की ड्राइंग्स होती हैं बेटा, दो तरीके की ड्राइंग्स होती हैं, जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं अनइक्वल ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स. आपको पता है अलग अलग किताबों में ना अलग अलग केसेस बनाए गए हैं, बट मैं समराइज करके आपको बहुत छोटे में बहुत अच्छी ट्रिक के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तुम्हारे सामने, फिर कोई क्वेश्चन आ जाए. क्या लिखा मैंने, दो बातों का ध्यान रखना, अनइक्वल ड्राइंग्स यानी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो अनइक्वल होगा, कभी 10,000 निकाल दिए, कभी 5,000 निकाल दिए, कभी 16,000 निकाल दिए, और जो टाइम पीरियड होगा वो भी अलग अलग होगा, अलग अलग इंटरवल्स में, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसे होगा. और दूसरा क्या केस बनता है, इक्वल ड्राइंग्स, या ऐसे लिख लो, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स at equal intervals, equal amount of drawings at equal intervals, यानी मैं ये बोल रहा हूं कि 1,000 हर महीने निकाल रहा है शुरू में, तो 1,000 ही निकालेगा हर महीने, और सेम डेट पे निकालेगा स्टार्टिंग में, 1st April, 1st May, 1st June, तो क्या ये होगा, equal amount निकाला गया है और equal intervals पे निकाला गया है. तो एक तो होता है अनइक्वल ड्राइंग्स अलग अलग इंटरवल्स पे, एक होता है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल्स पे. अब ये जो अनइक्वल है इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं बेटा जी. दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर हमारे पास, एक तो होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड.
ये जो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड है ना, ये जो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड है, ये यहाँ भी चल जाते हैं, ये यहाँ पे भी लग जाते हैं। इसका मतलब सिंपल और प्रोडक्ट मेथड तो सब जगह लगता ही है, लेकिन यहाँ पे हम एक शॉर्ट कट ट्रिक से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे ना, वो शॉर्टकट ट्रिक ही यूज करेंगे, ये हमें हेल्प करेगा। ये सिंपल और प्रोडक्ट मेथड हम इक्वल वाले में यूजुअली यूज नहीं करते, ठीक है। अनइक्वल में या सिंपल लगता है या प्रोडक्ट लगता है, यहाँ पे कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। ओके, आप इसको पहले तो जल्दी से नोट डाउन करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। ऑलराइट, चलो, अनइक्वल ड्राइंग्स अलग अलग इंटरवल्स पे और इक्वल ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल्स पे। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिंटू विड्रू फॉलोइंग अमाउंट ऑन द डेट्स गिवन बिलो। चिंटू जो है वो नीचे दी गई डेट्स पे ये अमाउंट्स निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम फॉर ईयर एंडिंग मार्च 2021 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दो। तो आप देखो यहाँ पे चेक करते हैं कि सर ये ईयर कब चालू हुआ होगा। ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से, पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च 2021 पे ख़त्म होगा बेटा, है ना। अब चिंटू ने देखो सबसे पहले पैसा कब निकाला, 1 जून पे, 1 जून यानी यहाँ पे शुरू में 1 जून पे उसने निकाला 20,000। तो 20,000 पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे, देखो 2 महीने छोड़ दो तो जून से लेके 31 मार्च तक 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सबसे पहले तो चिंटू का। फिर इसने कब निकाला, 31 अगस्त पे, यानी अगस्त ख़त्म होने के बाद, अगस्त के लास्ट में 31 अगस्त पे। अब देखो कोई सेम इंटरवल नहीं है, पहले 2 महीने बाद निकाला था, फिर 5 महीने बाद निकाल रहा है, तो अनइक्वल इंटरवल्स है। 10,000, अब यहाँ से अगस्त से यहाँ तक कितने महीने बैठेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये बैठेंगे 7 मंथ्स, 7 महीने का इंटरेस्ट होगा। फिर निकाला अक्टूबर 31 पे, अक्टूबर 31 यानी अक्टूबर के लास्ट में, यहाँ पे अक्टूबर 31 पे इसने कितना निकाला, 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़। तो अब ये अक्टूबर से लेके मार्च तक, बच्चे अक्टूबर काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अक्टूबर का लास्ट था, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स हो जाएंगे, 5 मंथ्स ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर निकाला फेब 1 पे, फेब 1 का मतलब बिल्कुल फेब की शुरू में, यहाँ पे फेब 1 पे कितना पैसा निकाला, 12,000। तो फेब 1 है अगर, तो पूरा फेब और पूरा मार्च कितने महीने हुए, यहाँ से 2 महीने। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो देखो ये कौन सा केस बना, अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है अलग अलग टाइम पीरियड पे। तो देखो मैंने क्या बताया, अनइक्वल ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, ये वाला केस बन गया। अब यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है सिंपल मेथड जो कि अलग अलग निकाल दो हर मेथड का, और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। दोनों ही हम सीखने की कोशिश करेंगे, आ जाओ। सिंपल में तो क्या करोगे, देखो पहले वाला 20,000 पे 10% और 10 महीने, ये है। दूसरे वाला 10,000 पे 10% 7 महीने, तीसरे वाला 18,000 पे 10% 5 महीने, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, 12,000 पे 10% 2 महीने, ये बैठता है या नहीं बैठता है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा, 20,000 पे 10% और 10 महीने, पहला वाला तो आ गया 1,666, 1,666, ठीक है, मतलब पॉइंट्स में आ रहा था तो राउंड ऑफ करके 1,667 भी आ सकता है। दूसरा वाला 10,000 पे 10% 7 महीने,
10,000 पे 10% और 7 महीने 583, इसको 667 कर देता हूँ। ये दूसरे वाला कितना आ गया 583, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा कितना आएगा 18,000 पे 10% 5 महीने, ये आ गया बेटा 750। और फिर उसने कितना निकाला, फिर उसने निकाला 12,000 पे 10% 2 महीने, ये आ गया 200। तो अब अगर आप इसका टोटल करो तो टोटल आईओडी आ जाएगा 1667, 583, 750, 200। 3200 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया बेटा चिंटू का। क्या बिल्कुल सेम वही काम है जो कल आईओसी में किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐसे ही निकाल रहे थे, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल में एक ही बार लग रहा था तो उसमें एक ही बार कैलकुलेट हो रहा था। यहाँ पे बार बार विड्रॉ करेगा तो जिस डेट पे विड्रॉ किया है उस डेट से जब ईयर एंड होगा उतना टाइम पीरियड आपको याद रखना है ना। जब भी विड्रॉ करा वहां से ईयर एंड तक, विड्रॉ करा ईयर एंड तक, विड्रॉ किया ईयर एंड तक, कितना टाइम आ रहा है वो टाइम पीरियड बड़े ध्यान से देख के चलना है आप लोगों को। ओके, अब ये तो था सिंपल मेथड। सर इसका कोई शॉर्टकट आपने बताया था? देखो मैंने क्या बोला, एक तो सिंपल मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है जो आपका टाइम बचा देगा। प्रोडक्ट मेथड विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, आप एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड क्या है, देखो जैसे हमारी ये ड्रॉइंग्स थी ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक जगह लिखना पड़ेगा, आपको एक जगह लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना कितना विड्रॉ करा था, पहले बार 20, फिर 10, फिर 18, फिर 12, 20,000, 10,000, 18,000, 12,000, ये विड्रॉ करा था। फिर आप लिखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड कितना कितना आया था, पहले वाले का 10 महीने था, ये रहा, दूसरा 7, फिर 5, फिर 2, 10, 7, 5, 2। फिर आप इन दोनों का ना प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ड्रॉइंग्स इंटू टाइम पीरियड, डी इंटू टी पी मतलब ड्रॉइंग्स इंटू टाइम पीरियड, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 20 × 10 2 लाख, 10,000 × 7 70,000, 18,000 × 5 कितना आ जाता है 18 × 5 90,000, 12,000 × 2 24,000। अब आपको सिंपली यहाँ पे देखना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, 2,70,000, 90,000 और 24,000, 384 कितना आ गया 384। देखो ये इजी पड़ा अभी तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला याद रखना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये 1/12 बच्चों याद रखना, हमेशा टाइम पीरियड 1/12 चलेगा प्रोडक्ट में, ऑलवेज। प्रोडक्ट मेथड एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट में एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि टाइम पीरियड हमेशा 1/12 चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, 384 पे 10% और टाइम पीरियड 1/12, 384 पे 10% और 1/12 कितना आ जाता है, देखो वही 3200 आंसर, वही 3200 यहाँ आया था, वही 3200 यहाँ आया, रिश्ता वही, सोच नहीं, बात वही है, आंसर वही आने वाला है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लगाया और काम हो गया। तो इस ट्रिक की मदद से बच्चों प्रोडक्ट मेथड इज ऑलवेज अ बेटर मेथड और ऑलवेज एन इजी मेथड टू सॉल्व इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सही है। तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिंपल मेथड से निकालेंगे तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। हर बार, चार बार निकालोगे तो चार बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पांच बार निकालोगे तो पांच बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट जब आप प्रोडक्ट मेथड से करते हो तो बस एक ही बार फॉर्मूला लगता है, वो क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अपने पास नोट कर लो ये फॉर्मूलाज, यहाँ पे टाइम पीरियड अपॉन 12 हर बार और यहाँ पे 1/12 एक ही बार चलता है, क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है ये। और ये कब चलता है, जब अलग अलग ड्रॉइंग्स करी गई हो अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग बार विड्रॉ करा गया है अलग अलग अमाउंट, तब ये चलता है।
क्या अब हम इक्वल वाले मेथड की तरफ चलें? इक्वल क्या है देखो, जब इक्वल ड्राइंग्स करी गई है इक्वल इंटरवल पे, सर इसका क्या मतलब है इक्वल ड्राइंग्स करी गई है इक्वल इंटरवल पे? देखो अगर मैं बोलूं चिंटू विड्रू 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। मैंने क्या बोला, चिंटू निकालता है, कितना पैसा निकालता है बेटा, 1000 रुपये निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरू में 1000 निकाल रहा है हर महीने की शुरू में, यानी सेम अमाउंट और सेम इंटरवल। इसका मतलब ये होगा पूरे साल में अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1 1 1 1 1 1 1 1 ये हो गया। और 1000 यहाँ निकाले, 1000 यहाँ निकाले, 1000 यहाँ निकाले, 1000 यहाँ निकाले, ऐसे। अब अगर आप इसमें सिंपल मेथड लगाओ तो 12 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले यहाँ से लास्ट तक 12 महीने, फिर 11 महीने, फिर 10 महीने, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। सिंपल मेथड में तो 12 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो सिंपल तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा यार सिंपल से छोटा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लगा के देखते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे टाइम पीरियड लिखते हैं। अब चेक करो 1 अप्रैल से ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च विल बी 12 मंथ्स, 1 मई से 11 मंथ्स, 10 टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, जिस डेट पे विड्रॉ करा गया है वहां से 31 मार्च, जहां पे ईयर एंड हो रहा है ना, सितंबर 1 से 31 मार्च, इतने महीने, मंथ्स का ध्यान रखना है। इनका प्रोडक्ट कर दें, अब प्रोडक्ट अगर हम करें 12000 11000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5 4 3 2 and 1, अगर आप इसका टोटल लगाओ तो कितना आ जाता है, 12 और 11 12 23 33 33 and 9 42 50 57 63 तो अब इस सिनेरियो में क्या बैठता है, इस सिनेरियो में बैठता है टोटल प्रोडक्ट 78,000 इंटू रेट अपॉन 100 10% इंटू 1/12, 78,000 10% 1/12 650 आंसर, 650 आंसर। तो देखो सिंपल से तो बहुत छोटा पड़ा प्रोडक्ट, सिंपल से तो बहुत ही छोटा पड़ा, बट मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास एक मेथड और है जो इससे भी छोटा है, शॉर्टकट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे या तो आप सिंपल लगा सकते हो या प्रोडक्ट लगा सकते हो या शॉर्टकट लगा सकते हो, मैं एडवाइस करूँगा शॉर्टकट लगाओ क्योंकि शॉर्टकट में और टाइम बचेगा। तो सर शॉर्टकट में क्या करना है, शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देता हूँ, शॉर्टकट में क्या ट्रिक है, शॉर्टकट में आपको सिंपली करना है टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल प्रोडक्ट नहीं है बच्चे, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, और अगर मंथ का बिगिनिंग है तो 6.5/12, ये टाइम पीरियड आपको याद रख लेना है, 6.5/12, ठीक है। देखो जरा 1000 अगर हर महीने है तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई, 12000 10% 6.5/12, 12000 10% 6.5/12 650 आंसर, खत्म। वहां पे भी 650 आया था, यहां पे भी 650 आया, आया या नहीं आया देखो,
है ना शॉर्टकट बढ़िया, क्लियर है या नहीं है, आया बढ़िया तरीके से? सर ये शॉर्टकट है कैसे, क्या हमें ये हर बार 6.5 ही लगेगा? यस, अगर मंथ का बिगिनिंग है तो हमेशा 6.5 लगेगा। शॉर्टकट के लिए आप कुछ चीज़ें नोट करो, शॉर्टकट के लिए कुछ चीज़ें नोट करो। अगर मंथली ड्राइंग्स हैं तो आपको दिया होगा या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ या मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। बिगिनिंग में बच्चे हमेशा 6.5 अपॉन 12 चलेगा, मिड में क्या चलेगा सर? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। मिड में हमेशा 6 अपॉन 12 चलेगा, और एंड में क्या चलेगा? टोटल ड्राइंग्स 5.5 अपॉन 12। ये टाइम पीरियड का खेल है सारा, टोटल ड्राइंग्स, रेट अपॉन 100, 6.5, 6 और 5.5। ये कब चलेंगे बच्चे? अगर मंथली ड्राइंग्स हैं। अगर क्वार्टरली दी हुई हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स, तो क्वार्टर में भी क्या लिखा होगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। मिड में सिक्स अपॉन 12 और एंड में 12। ये हमारे टाइम पीरियड्स हैं जो आपके काम आएंगे अगर इक्वल ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल पे यूज करी गई हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, क्या मुझे टाइम पीरियड याद करने पड़ेंगे? बच्चे पहली बात, आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन करते करते लर्न हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ये टाइम पीरियड खुद एस्टिमेट भी कर सकते हो, खुद ही कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक ट्रिक है उसकी भी, पहले नोट कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ और मैं यहाँ पे कर दूँ एच इंटू विड्रॉ 1000 इन द बिगिनिंग की जगह मैं ये लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। अगर वो बच्चे हर महीने के एंड में करता है ना, तो एक तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएंगे सारे, एक डेट चेंज हो जाएगी सारी डेट चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर मंथ का एंड है तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा, मंथ के एंड में क्या होगा? देखो मैं सबको 30 मान लूं, अब कहां मैं 30-31 लिखता रहूंगा, है ना? तुम लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं सबको 30 लिख रहा हूं फिलहाल। अब आधे बोलेंगे सर फेब में तो 30 होता ही नहीं है। अरे नालायको, एक बार के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? ये मान लिया मैंने, ओके। अब हर महीने के एंड में अगर है तो देखो, अप्रैल 30 पे पैसा निकाला तो अप्रैल खत्म हो चुका है। अप्रैल 30 से 31 मार्च विल बी 11 मंथ्स, इस बार 11 महीने आएंगे। मई 30 से 10 महीने आएंगे, 9, 8 ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना बेटा। तो इस बार अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 एंड 0। लास्ट वाले में 0 क्यों आया? क्योंकि मार्च के लास्ट डे पे निकाला, मार्च का लास्ट ईयर एंड ही हो गया, क्या इंटरेस्ट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अब इस बार आप इसका अगर टोटल करो तो प्रोडक्ट मेथड से क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट करते हैं जी, 11 एंड 10 21
38 37 45 51 56 60 63 65 66. तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 यही करते हैं. 66,000 इंटू 10% इंटू 1/12 550 इस बार आंसर आ रहा है. अब हम लगाते हैं अपना शॉर्टकट. मैंने शॉर्टकट में आपको क्या सिखाया, टोटल ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का टोटल कर दो बस. टोटल ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 12,000 ही होगी इंटू रेट अपॉन 100 और एंड ऑफ एवरी मंथ है अगर तो अपनी कॉपी में चेक करो, 5.5/12 लिखवाया होगा मैंने. 12,000 10% 5.5/12 550 आंसर आया. सेम देखो कितना टाइम बच गया. टाइम बच गया या नहीं बच गया बच्चे, सारा 100 रॉ टाइम बच गया आपका, समझे. तो कभी भी सेम ड्राइंग्स हो ना तो सेम ड्राइंग्स में ट्राई करो कि आप यूज ही मत करो सिंपल या प्रोडक्ट, ही शॉर्टकट अपना लो, बेस्ट है. सर शॉर्टकट में टाइम पीरियड कैसे निकल रहा है, तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है बच्चों, टाइम पीरियड के लिए ना आप एवरेज ले लेते हो पहले वाले टाइम पीरियड का और लास्ट वाले टाइम पीरियड का. पहला प्लस आखिरी का एवरेज 11 + 0/2 11/2 5.5, इसीलिए एंड में 5.5 था. अभी जब मैंने बिगिनिंग वाला करा था तो याद करो बिगिनिंग में जो टाइम पीरियड चल रहा था, बिगिनिंग में टाइम पीरियड ये चल रहा था 12 महीने 11 महीने 10 महीने 9 महीने 8 महीने 7 6 5 4 3 2 1, ये था क्योंकि तब हर महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहा था, तो टाइम पीरियड ये चल रहा था. तो पहला और आखिरी 12 + 1/2 13/2 6.5, इसीलिए मैंने मंथ की बिगिनिंग में 6.5 लिखवाया आपको, समझे कैसे कैलकुलेट हुए ये टाइम पीरियड. टाइम पीरियड निकालने के लिए एवरेज ऑफ टाइम पीरियड करना है फर्स्ट और लास्ट का, ठीक है. अब अगर मैं मिड ऑफ एवरी मंथ बोलूं, आ जाओ जरा मिड ऑफ एवरी मंथ में देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा, देखता हूं तुम लोग को कितना समझ में आएगा. अगर मैं मिड ऑफ एवरी मंथ कर दूं तो डेट्स चेंज होंगी, फिर से डेट्स चेंज हो जाएंगी. मिड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा, 15 अप्रैल 15 मई, ये आ गया जी अब आपके पास 15th, मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है. अब देखो टाइम पीरियड कैसे चलेगा, क्या चलेगा हमारे पास. यहाँ पे अप्रैल 15 है तो भैया अप्रैल 15 से 31 मार्च तक 11 महीने तो पूरे, आधा अप्रैल तो क्या 11.5 आएगा, 11 मंथ्स तो पूरे आएंगे अप्रैल के बाद, और हाफ अप्रैल आएगा तो 11.5. मई 15 से 10 महीने पूरे और हाफ ये, फिर ऐसे ही और लास्ट में 0.5 क्यों, 15 मार्च से तो बस आधा ही महीना बचेगा, 15 मार्च से तो बस हाफ मंथ ही बचेगा. तो अब जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो भी अलग अलग आ जाएगा, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, शॉर्टकट लगा लो. टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 11.5 और लास्ट में 0.5, तो 11.5 + 0.5/2 12/2 6, मैंने इसीलिए आपको 6 लिखवाया. देखो इसीलिए मैंने आपको क्या लिखवाया है, मिड में 6, बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5.5. समझ में आती है बेटा जी ये बात. तो दिस इज हाउ हम लोग मंथली ड्राइंग्स को लेके चलते हैं, समझे. ऐसे ही क्वार्टरली होती हैं. सर क्वार्टरली का क्या मतलब है, देखो क्वार्टरली में ये होता है कि आपका मंथ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च. जब हम क्वार्टरली बोलते हैं ना तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा. ऐसे ये होता है क्वार्टर 1, ये होता है क्वार्टर 2, ये होता है क्वार्टर 3, ये होता है क्वार्टर 4. ओके, अब आज आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको खुद ढूंढने की कोशिश करनी है कि शुरू में ये 7.5 कैसे आया होगा, 6 कैसे आया होगा, 4.5 कैसे आया होगा. ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. इस पर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा कल की क्लास में, बट बिफोर दैट आपको एक बार ट्राई करनी है आज की क्वार्टरली में टाइम पीरियड आया कैसे होगा, बस आपको ये ट्राई करनी है. और उसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में जो आपको खुद से ट्राई करना है. पहला तो ये है
चिंटू विड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. दूसरा, चिंटू विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तीसरा, चिंटू विड्रू 20,000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम ही ले लेना. आईओडी 10% पर एनम ही ले लेना. सिंपल से भी निकाल के देखना, प्रोडक्ट से भी निकाल के देखना और शॉर्टकट से भी निकाल के देखना, तीनों से सेम आना चाहिए. और चौथा क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है चिंटू की ही, जिसमें उसने कब कब विड्रॉ करा है. ये दे रहा हूँ मैं सिंपल वाला, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इंटरवल्स का. May 1, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च. और डेट्स हैं 31, 30, 30, 1, 31. ठीक है, 20, 10, 30, 40 20, 10, 30, 40, 20, 25. लो बेटा, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9% पर एनम के हिसाब से. ये शुरू के 3 में तो 10% पर एनम के हिसाब से, और इसमें 9% पर एनम के हिसाब से. 4 क्वेश्चंस हैं, आज प्रैक्टिस करो, चारों का मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है. कल मैं आपको बुक्स में से क्वेश्चन दूंगा इस टॉपिक को खत्म करके. और एक आपको क्वार्टर वाला खुद से फिगर आउट करना है कि किस तरीके से टाइम पीरियड्स यूज हुए हैं. इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो फटाफट, दिस इज योर होमवर्क. और फिगर आउट करके मुझे बताओ कि किस तरीके से कैसे चीजें हुई होंगी. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट बच्चों को कन्फ्यूजन होता है. तो बड़े ध्यान से कर लो, प्रैक्टिस कर लो. कल मिलते हैं, कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं. वीडियो लाइक जरूर कर देना यार, और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना. थैंक यू सो मच एवरीवन.